नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी ने दिल्ली के सभी पूर्व विधायकों की एक मैराथन बैठक बुलाई जो करीब 4 घंटे तक चली। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी ने न केवल अपनी राय रखी बल्कि पार्टी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यह तय किया है कि दिल्ली की जनता को आम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का हर शख्स आक्रामक तरीके से दिल्ली रास्तों पर उतरेगा। लंबे समय के बाद प्रदेश कांग्रेस में हुई पूर्व विधायकों के इस बैठक में लगभग सभी पूर्व विधायकों व पूर्व मंत्रियों के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी शामिल हुए और सभी ने खुलकर संगठन को मजबूत करने व दिल्ली के चुने हुए सांसदों, विधायकों व पार्षदों के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के अलावा मिशन 2024-25 के नाम से एजेंडा भी तय कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने स्पष्ट रूप से तमाम कांग्रेस नेताओं से आह्वान किया है कि वो दिल्ली की जनता के हितों के लिए न केवल काम करें बल्कि उनकी समस्याओं को हल करवाने के लिए किसी से भी टकराना पड़े तो लोकतांत्रिक तरीके से उससे पीछे न हटे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा व चरमराई हुई है। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। आज दिल्ली की जनता कांग्रेस के 15 साल के विकासोन्मुखी शासन काल को न केवल याद कर रही है बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर पार्टी के नेताओं व पूर्व विधायकों की प्रशंसा हो रही है। लवली ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के 15 साल के शासन काल में सरकार के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं लगा था।